सो व्हाट इज अप दोस्तों, कैसे आप लोग, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो यार आज इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका जाहिर है उसको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे फिक्स कर सकते हो। ओके, तो इससे पहले ना मैंने इस टॉपिक पे एक और वीडियो बना चुका जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो उसको भी एक बार चेकआउट ज़रूर करना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो वाले चेकआउट करना, उसके बाद आपकी अला वीडियो मतलब इसके बाद चेकआउट करना, नहीं तो मेरे व्यूज़ कम हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो इसलिए ये अला वीडियो हम फटाफट शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस वीडियो में मैं आपको ना दो सॉल्यूशन दूँगा। पहले मैं आपको प्रॉब्लम्स कुछ बता देता हूँ कि ना क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कि आपका एक लो एंड डिवाइस है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है लो एंड डिवाइस में ही होता है ज़्यादातर, या तक कि मिड रेंज डिवाइस में बहुत रेयर होता है, लेकिन हो ही जाता है कभी ना कभी, किसी को ना किसी को प्रॉब्लम होता ही है। ठीक है, उसके बाद ना, और ये आपका ना कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि जैसे जारो ऐसे अगर आप फोन स्टिल रख दिए तो एक ही साइड मूव होते रहता है। ठीक है, या तो एकदम काम करना बंद हो जाता है एकदम एक पॉइंट पे। ठीक है, तो ये दो एक कुछ प्रॉब्लम्स है जो फेस होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना अब आपको ना मैं ना दो सौ मेथड तो बताऊँगा जिससे आपका ना डीले का जो है ना प्रॉब्लम और ये सब जो जारो होगा जो इधर उधर होता है एक ही डायरेक्शन में जो मूव होता है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों मेथड से, तो पहला जो है तो वो आपका इनबिल्ट मेथड है और दूसरा है जो एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो दोनों मेथड देखना भाई जरूर, बहुत तगड़े मेथड हैं, तो इससे आपका ना मतलब जायरो का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसमें सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो इनबिल्ट मेथड है ना वो कौन सा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मोस्ट ऑफ पीपल के पास रेडमी या रियलमी का फ़ोन होता ही होगा, ठीक है, ज़्यादातर यही लोग लेते ही हैं। तो ठीक है, तो ये जो मैं मेथड बताऊँगा ना अपना मिल जाएगा आसानी से, तो आपको बस सिंपली जो मैं बताऊँगा ना वो आपको बस फॉलो करना है, हाँ, और आपको बस और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। ठीक है, और ना सबसे मेन बात ना, अगर आपका डिवाइस ज़्यादा हीट होता है ना तो उस वजह से भी जायरोस्कोप सेंसर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सेंसर मतलब ना कोशिश कीजिए कि ना मोबाइल कूल रखें, क्योंकि ना देखिए टच इशू और ये सब ना जब आपका मोबाइल हीट होता है ना तभी आता है, उससे पहले आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना कि ओवर हीटिंग ना होने दे डिवाइस को। ठीक है, खास करके आपका एक लो एंड डिवाइस है तो डिवाइस ऐसे हीट होते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कम हीट हो, ज़्यादा हीट ना हो आपका फ़ोन। ओके, तो चलिए जो सबसे पहले मेथड है ना वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आपको ना सबसे पहले अपने सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, उसके बाद अपने अबाउट फोन का जो सेक्शन है ना वहाँ जाके आपको ऑल स्पेक्स पे क्लिक करना है, जहाँ पर आपको पूरे डिवाइस की स्पेसिफिकेशन दिखा दे। ठीक है, उसके बाद आपको ना नीचे आना है और कर्नल वर्जन जो है ना आपका उसमें आपको कम से कम चार या पाँच बार टैप करना है। ठीक है, उसके बाद ये FCQ टेस्ट वाला एक विंडो ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको डज अपना जायरो उसको कौन से नंबर वो देख लेना है, उसका आपको क्लिक करना है सिंपली, और अपना फ़ोन को लेकर स्टिल मतलब कहीं प्लेन सरफेस पर रख देना है। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ अपने कैलिब्रेट का जो बटन दिया ना उसको आपको सिंपली प्रेस कर देना, तो आपका जो भी जायरोस्कोप में कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा ना या अच्छे से वर्क नहीं करोगा तो उसको ये सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो इससे आपका ना जो भी थोड़ा सा अगर कुछ जायरोस्कोप जो आपका वन साइडेड मूव जो होते थे तो वो आपका प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा होता है तो ये याला आप कर दीजिएगा। ठीक है, उसके ना सेकेंड मेथड है ना ये ऐप है। ठीक है, तो जो ऐप का नाम है जायरो फिक्स एंड जायरो डीले फिक्स करते हैं ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये अभी नया नया ऐप आया है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे अभी ऐप ओपन कर लीजिए, सबसे पहले तो आपको ना इतना डिटेक्ट सेंसर क्लिक करना है, तो आपको ये बता देगा कि आपके मोबाइल में कौन कौन से गेमिंग जो सेंसर चाहिए होते हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है, तो ये आप डिटेक्ट सेंसर करके पता कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ना अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक करके सब बता देता हूँ क्या है। ठीक, उसके बाद आपके जायरोस्कोप जो मेन आपका है, यहाँ ना आपको अगर आपको देखने की मेरा जायरोस्कोप सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ज़्यादा डीले तो है कि नहीं है, तो इससे अपने जायरोस्कोप को अपने टेस्ट कर सकते हैं। जायरोस्कोप ऑप्शन में आके आपको टेस्ट वाले बटन पर क्लिक करना और आपको अपने डिवाइस को ना मूव करना है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप जैसा मूव करें बिल्कुल वैसे मूव हो रहा है आपका जायरोस्कोप तो मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर अटक रहा है या थोड़ा सा कोई ग्लिची लग रहा है तो आप समझ जाना कि आपके जायरोस्कोप में थोड़ा सा डीले आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर अब आपको ना क्या करना है कि इसके लिए भी ना इसमें सॉल्यूशन है, इसी ऐप से आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ना भाई जो फिक्स जायरो डीले वाला है, उस पर आपको बस सिंपली चले जाना है जो फिक्स जायरो डीले है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऐसा विंडो आ जाएगा, उसका टैप टू स्टार्ट क्लिक कर देना है।
ठीक है, जैसे आप टैप टू स्टॉप पे क्लिक करेंगे ना, ऐसी ऐड आ जाएगा इसको, तो फटाफट हटा देना आपको, कुछ नहीं करना इसमें, ऐप को फटाफट हटा के और यहाँ देख लीजिए रनिंग हो गया। अब इस मिनट को आपको मिनिमाइज़ कर देना है, इस ऐप को बैकग्राउंड में छोड़ के आपको अपना पबजी ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यार तो जो भी आपका FPS गेम होता है, हाई FPS गेम, तो उसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो जी इसलिए ना आपका पूरा ना खेलते टाइम पर ना पूरा आपके जायरो को ना स्टेबल रखेगा और डिले पूरी तरह से दूर कर देगा। तो यार ना ऐप को ना एक बार ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी अच्छा ऐप है, हालांकि नया है लेकिन काफ़ी अच्छा ऐप है तब भी। ओके, तो यार ऐप को एक बार ना प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना, और ना पिछले वीडियो जो है ना वो भी एक बार चेकआउट ज़रूर करना, आई होप आपको शायद पसंद आ जाए, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स ये